भले ही आप कितने ही बैडेस क्यों ना हो, लेकिन भैया अगर आप इस शिकारी के शिकार हो गए तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपनी भद्दी और भयानक शक्ल और उससे भी ज्यादा खौफनाक और बैडेस एटीट्यूड के साथ प्रेडेटर फ्रेंचाइजी का अपना ही बहुत बड़ा फैन बेस है, और उसी फैन बेस का हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने पिछली बार कम्युनिटी टैब में प्रेडेटर्स के फैक्ट्स के लिए वोट किया था। साथ ही साथ हमें कमेंट करके कई बार इस वीडियो की टॉपिक को सजेस्ट कर चुके हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही औसम और मजेदार कमेंट्स करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं, आपकी और हमारी खातिर जानते हैं प्रेडेटर फ्रेंचाइजी के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और औसम फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कौन सा मजाक प्रेडेटर फ्रेंचाइजी के बनने का कारण बना। जानेंगे कि प्रेडेटर 2 में उस एल्डर प्रेडेटर के पास ह्यूमन पिस्टल कहां से आई। जानेंगे कि एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स में एलेक्सा वुड्स का कैरेक्टर किस फीमेल ह्यूमन प्रेडेटर पर बेस किया गया था। जानेंगे कि किस किस डीसी सुपर हीरोज का प्रेडेटर सामना कर चुके हैं, और फाइनली जानेंगे कि क्या था ओरिजिनल प्रेडेटर डिजाइन। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हो सकता है कि आपको इस बात पर यकीन ना हो, पर इस सीरियल किलर एलियन की कहानी की शुरुआत एक मजाक से हुई थी, जहां पर मजाक में ये बात कही गई थी कि रॉकी 4 मूवी में रॉकी ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से लड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर क्या था, इस बात को दो स्क्रीन राइटर्स भाई जिम और जॉन थॉमस ने बहुत ही इंस्पिरेशनल वे में ले लिया और एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें कुछ एलियन प्रेडेटर्स कुछ सोल्जर्स का जंगलों में शिकार करते हैं, और स्क्रिप्ट को नाम दिया गया हंटर, जिस पर 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म बनाने के लिए मान गया। इसीलिए कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता वो मिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी ही खड़ी कर दे। पहली मूवी की जंगल की लोकेशन के लिए मेक्सिको के प्योर्टो वलार्ता और पिलैंग के जंगल वाले इलाकों का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इन्हें घना दिखाने के लिए कई जगहों पर फेक पेड़ पौधे और पत्ते भी लगाए गए हैं। वैसे पहली मूवी में इस जंगल के इलाके का नाम वेल वर्दे है, और शायद आपको न मालूम हो पर ये फिक्शनल लोकेशन कमांडो और डाई हार्ड जैसी फेमस अमेरिकन मूवीज और टीवी शोज में दिख चुका है, और इस फिक्शनल लोकेशन को हमेशा स्टीवन ई डिसूजा अपनी कहानियों में यूज किया करते थे, और इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी इस फिक्शनल कंट्री को यूज करने दिया। पहली मूवी के अंदर हॉकिंग्स का रोल प्ले करने वाले शेन ब्लैक अब एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं, और जिस समय वो इस मूवी के अंदर काम कर रहे थे उस जमाने में वो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर थे, जिन्होंने 1987 की ही सक्सेसफुल मूवी लीथल वेपन की कहानी लिखी थी। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर उन्हें उनकी एक्टिंग टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस मूवी के स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के लिए कास्ट किया गया था। भाई कुछ भी कहो, ये एक अलग लेवल की ही सेटिंग है। बाय द वे, आगे जाकर शेन ब्लैक ने किस किस बैंग बैंग, आयरन मैन 3, द नाइस गाइज और यहाँ तक कि 2018 की प्रेडेटर को भी लिखा और डायरेक्ट किया है। प्रेडेटर की कहानी आपको आगे मूवीज के अंदर देखने को नहीं मिलती अगर इसकी कॉमिक बुक को पब्लिश नहीं किया गया होता। जी हाँ, फॉक्स स्टूडियोज इस बात को टेस्ट करने के लिए कि आगे लोग प्रेडेटर की मूवीज को देखना चाहेंगे या नहीं, इसके लिए उन्होंने प्रेडेटर्स और कंक्रीट जंगल नाम की कॉमिक बुक पब्लिश की, जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और इसी पर प्रेडेटर 2 मूवी को बेस किया गया, जहां पर कॉमिक्स के अंदर ये कहानी न्यूयॉर्क की है पर मूवीज के अंदर इसे चेंज करके लॉस एंजलिस कर दिया गया। दूसरी मूवी के अंदर हमें अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का कैरेक्टर डच क्यों नहीं दिखा, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 1990 की मूवी द किंडरगार्टन कॉप में बिजी थे, और उन्हें दूसरी मूवी का स्क्रिप्ट भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। यही कारण है कि फिल्म मेकर्स ने उनके कैरेक्टर की एक अलग से बैक स्टोरी बनाई, जहां पर ये समझाया गया कि अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का कैरेक्टर डच प्रेडेटर 1 में हुए शिप ब्लास्ट के रेडिएशन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जहां पर प्रेडेटर 2 में दिखा CIA एजेंट पीटर कीस उससे मिलने जाता है, वहीं पर डच उसे सारी की सारी बात बताता है, जहां पर वो अपनी टीम के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और डच हॉस्पिटल से भाग जाता है, जिसके बाद से ही डच का प्रेडेटर यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। अगर आप भी आज तक सोचते हैं कि प्रेडेटर 2 के क्लाइमेक्स में दिखे एल्डर प्रेडेटर के पास वो 1700s की फ्लिंट लॉक पिस्टल आखिर कैसे आई, तो इसका जवाब दिया गया प्रेडेटर 1718 कॉमिक्स में, जहां पर सन 1700 के जमाने में भी प्रेडेटर वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशंस में शिकार कर रहे थे। वहीं पर इसी एल्डर प्रेडेटर का सामना होता है स्पेनिश पायरेट रफाइल एलोडिनी से, जहां पर दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी बीच रफाइल का एक आदमी रफाइल पर गोली चला देता है,
और प्रेडेटर्स के लिए ऑनर बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए वो रफाइल के आदमी को भी वहीं पर मार देता है। रफाइल इस चीज से इम्प्रेस होता है और इस बंदूक को उसे मरते मरते दे देता है। एलियन वर्सेस प्रेडेटर की कहानी को पहले अंटार्कटिका की बजाय एलियन वर्सेस प्रेडेटर थ्रिल ऑफ द हंट के कॉमिक सीरीज की तरह ही प्लैनेट रयूशी पर बेस किया जाना था, जो बेसिकली एक जंगल प्लैनेट है और यहीं पर ह्यूमंस आकर बसते हैं। बस प्रॉब्लम यही होती है कि ये प्रेडेटर्स का एलियन को हंट करने वाला हंटिंग ग्राउंड होता है। लेकिन सीरीज की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए, मूवी को फाइनेंशियली चीप रखने के लिए एंड ऑफ कोर्स चीजों का सेंस बनाने के लिए इसकी सेटिंग को अंटार्कटिका में शिफ्ट कर दिया गया। एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी के अंदर सनालथान की कैरेक्टर एलेक्स वुड्स को माचिको नागुची पर मॉडल किया गया है, जो रयूशी पर ह्यूमन सेटलमेंट की एडमिनिस्ट्रेटर होती है, और प्रेडेटर्स की रयूशी में एलियंस के खिलाफ साथ देने की वजह से प्रेडेटर्स उसे ऑनर करते हैं, जहां पर आगे चल के वो उनके क्लैन को भी ज्वाइन करती है और सबसे पहली ह्यूमन फीमेल प्रेडेटर बन जाती है। और बाद में इसी चीज की झलक हमें क्लाइमेक्स में मूवी के अंदर भी दिखाई गई है। अब मुझे मालूम है ये फैक्ट लिस्ट प्रेडेटर्स की है, एलियंस की नहीं, लेकिन भैया एलियन वर्सेस प्रेडेटर के अंदर दिखी एलियन क्वीन के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, जिसमें जुरासिक पार्क में दिखे टीरेक्स के एनिमेट्रॉनिक मॉडल से भी 2 गुना ज्यादा मूविंग पार्ट्स थे। इनके अलावा भी इस मूवी के लिए 25 से 30 लाइफ साइज सेट्स को बनाया गया था, जिनका टोटल अमाउंट $20 मिलियन होता अगर ये लॉस एंजलिस के अंदर शूट किए जाते, लेकिन लकीली इन्हें प्राग के अंदर शूट किया गया। इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ $2 मिलियन का खर्चा आया, जो कम तो नहीं है पर मूवी के टोटल बजट $60 मिलियन के हिसाब से बहुत किफायती है। एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी के अंदर हमें एलियन और प्रेडेटर का मिक्सचर प्रेड एलियन देखने को मिला, जहां पर अगर मूवी की पुरानी स्क्रिप्ट को फॉलो किया जाता तो शायद ये हमें मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रेडेटर्स इसे बहुत ही पहले मार देते और प्रेडेटर्स की शिप धरती पर आकर क्रैश हो जाती, जिसके कारण प्रेडेटर्स द्वारा रखे हुए एलियंस अपने फेसहगर्स को लेकर भाग जाते और पूरे के पूरे धरती पर आतंक मचाते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हटाकर प्रेड एलियन को इस मूवी का मेन विलन बनाया गया। वहीं पर अगर ये मूवी अच्छी परफॉर्म करती तो इसके सीक्वल में हमें एलियंस का होम वर्ल्ड देखने को मिलता। लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद एलियन वर्सेस प्रेडेटर की फ्रेंचाइजी को ही कैंसिल कर दिया गया। अब बात करते हैं 2010 की मूवी प्रेडेटर्स के बारे में। इस मूवी के अंदर लुइस ओज़वा का कैरेक्टर हांजो का नाम जापान के शेंगेकू एरा के हथौड़ी हांजो के ऊपर रखा गया है, जो जापान के शेंगेकू एरा के बहुत ही फेमस सैमुराई थे। और जो धांसू ड्यूल हमें प्रेडेटर और हांजो के बीच में दिखा, इसके बजाय मूवी के अंदर हमें मार्शल आर्ट दिखने वाला था, लेकिन लुइस ओज़वा ने कैंडो को यूज करने के लिए सजेस्ट किया। 2010 की प्रेडेटर्स का एक सीक्वल भी आने वाला था, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो जाता, क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखाया जाता कि एड्रियन ब्रूडी का कैरेक्टर रॉयस और एलिस ब्रागा की कैरेक्टर इजाबेल को बाकी के प्रेडेटर्स अपनी शिप में ले जाते हैं, जहां पर ये दोनों मिलकर एक एक करके बाकी के प्रेडेटर्स का शिकार करते हैं। और तो और हमें मूवी के एंड तक प्रेडेटर्स का होम वर्ल्ड भी दिखाया जाता, जो इसकी तीसरी मूवी को सेट करती, लेकिन पहली मूवी के ऑडियंस से मिले मिक्स्ड रिएक्शन की वजह से इस सीक्वल को कैंसिल कर दिया गया। आपने प्रेडेटर्स को मूवीज के अंदर इनविंसिबल तो देख लिया, पर ये कॉमिक्स के अंदर भी काफी धमाकेदार रहे हैं, जहां पर इन्होंने कई सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के साथ क्रॉसओवर भी किया है, जिसमें फेमसली कई सारे डीसी के सुपर हीरो कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि सुपरमैन, जहां पर प्रेडेटर्स सुपरमैन को एक ऐसे प्लैनेट पर ले जाते हैं जहां पर उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुपरमैन की बराबरी कर पाते हैं। और तो और उन्होंने कॉमिक बुक के अंदर पूरे के पूरे जस्टिस लीग से भी पंगा लिया है, जहां पर वो खुद को इनहेंस करके बन जाते हैं मेटा प्रेडेटर्स, और उनके पास सुपरमैन की पावर, फ्लैश की तेजी और प्लास्टिक मैन की मॉर्फिंग एबिलिटीज आ जाती हैं। इन सब के ऊपर सबसे बेहतरीन क्रॉसओवर हमें देखने को मिला बैटमैन और प्रेडेटर का, जिसके 2 सीक्वल्स भी आए, जहां पर बैटमैन ने 3 बार अपनी पूरी जी जान लगाकर उनकी बराबरी की, और पहले इशू के क्लाइमेक्स में बैटमैन को एक पूरा का पूरा एक्सोस्केलेटन सूट बनाना पड़ा। एक हॉलीवुड एक्टर की कितनी बड़ी चौड़ हो सकती है? टर्न्स आउट कितनी बड़ी भी हो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जितनी बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि सर्जी को 4-4 बार आगे आने वाली प्रेडेटर मूवीज में अपने रोल डच में एक छोटा सा कैमियो देने के लिए बार बार मनाया गया, लेकिन कोई न कोई बहाना देकर उन्होंने मना ही कर दिया। जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेडेटर 2 मूवी में वो किंडरगार्टन कॉप मूवी में बिजी थे, बाद में वो एलियन वर्सेस प्रेडेटर में कैमियो देने के लिए मान भी गए थे, लेकिन उसी समय उन्हें गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया इलेक्ट कर लिया गया, और सेम कारण की वजह से वो 2010 की प्रेडेटर्स में भी नहीं दिखाई दिए।
और फाइनली 2018 की प्रेडेटर मूवी में उन्होंने फिर से कैमियो देने के लिए मना कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने 2018 की मूवी में कैमियो तो शूट किया था, लेकिन मूवी के मिक्स्ड रिस्पांस की वजह से इस सीन को मूवी से हटा दिया गया। होपफुली किसी आगे की मूवी में हमें उनका प्रेडेटर का कैमियो देखने को मिल ही जाए। अगर आपको भी प्रेडेटर्स का चेहरा बहुत ही ज्यादा गंदा, भयानक और भद्दा लगता है तो शुक्र बनाइए, क्योंकि अगर ओरिजिनल डिजाइन की बात की जाती तो प्रेडेटर खतरनाक कम और क्रिंजी ज्यादा लगता। जी हाँ, प्रेडेटर की करंट डिजाइन से पहले इसका एक इनिशियल डिजाइन अप्रूव हुआ था, जहाँ पर हमें प्रेडेटर की सूट के अंदर जीन क्लाउड वैन डैम दिखने वाले थे, क्योंकि ये प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा फिट और एजाइल होता, साथ ही साथ ये निंजा की तरह मार्शल आर्ट भी करता। लेकिन इस सूट को पहनने के बाद जीन क्लाउड वैन डैम को बेसिक मूवमेंट में भी दिक्कत आ रही थी। ऊपर से जीन क्लाउड वैन डैम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सामने बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे, जिसके कारण बीच प्रोडक्शन को रोक कर पूरा का पूरा एक नया प्रेडेटर का डिजाइन बनाया गया, जिसके लिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर मूवी के स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट स्टैन विंस्टन को लेकर आए, जिन्होंने टर्मिनेटर का मेटालिक लुक भी डिजाइन किया था। साथ ही साथ जीन क्लाउड वैन डैम की हाइट को देखकर उन्हें हटाकर 7 फुट लंबे केविन पीटर हॉल को लिया गया, जिनका सजेशन मशहूर अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने दिया था। इसके साथ साथ कई जगहों पर ऑप्टिमस प्राइम की प्रोमिनेंट आवाज पीटर कलन ने कई जगहों पर प्रेडेटर को अपनी आवाज दी है, और शुक्र मनाइए इस सोने मुखड़े का कि आज प्रेडेटर मूवी फ्रेंचाइजी, जिसमें अगर एलियन वर्सेस प्रेडेटर को भी मिला दिया जाए तो अब तक इसने वर्ल्ड वाइड $750 मिलियन का बिजनेस किया है। इसके अलावा इसकी 4 शॉर्ट फिल्म्स, 4 मूवी नॉवेल्स, 10 ओरिजिनल नॉवेल्स और 5 वीडियो गेम्स आ चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉमिक बुक्स तो हैं ही। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि इन एलियन सीरियल किलर्स का फैंडम दुनिया भर में कितना ज्यादा है। वैसे आप कितने बड़े फैन हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द प्रेडेटर सीरीज फैक्ट्स। मुझे मालूम है इस वीडियो में एलियन वर्सेस प्रेडेटर की फ्रेंचाइजी के बहुत कम पॉइंट्स थे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एलियन फ्रेंचाइजी और एलियन वर्सेस प्रेडेटर की फ्रेंचाइजी के सेपरेट वीडियोस भी लेकर आऊंगा। साथ ही साथ मैं इस सीरीज के फ्यूचर अपडेट्स को वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं उसे पिन कमेंट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रेडेटर्स क्यों अच्छे लगते हैं और आपको इस वीडियो की उनसे जुड़ी हुई कौन सी बात बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और तो और, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।